किस नबी ते दरूद पढ़न दी दावत दे रहा। सुन मेरी मोहब्बत नबी पाक नाल, ओए सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है। सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है। सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है। कुल अंबिया तो उच्चा, कुल अंबिया तो उच्चा, मेरे आका दा मुकाम है। सारे अंबिया सफा विच मेरा नबी इमाम है। फलका ते रब ने सद्या, मेहमान बनया रब दा। फलका ते रब ने सद्या, मेहमान बनया रब दा। जिबरील लैन आया, जिबरील लैन आया, ओ वेला सी अदब दा। जिबरील लैन आया, ओ वेला सी अदब दा। सिदरा ते जाके सोना, ओ सिदरा ते जाके सोना, बनया वी आई पी मेहमान। सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है। अल्लाह अकबर। और कितनी शान वाले, कितने मुकाम वाले, कितनी अजमत वाले। पत्थरा भी कलमा पढ़िया, अबू जहल दी मुट्ठी विच उमतिया तड़प जाई। मेरे पैगंबर दी अजमत सुन के, शान सुन के, पत्तो की दे बासिया तड़प जाई। नबी पाक दा मुकाम सुन के, पत्थरा भी कलमा पढ़िया, अबू जहल दी मुट्ठी विच पत्थरा भी कलमा पढ़िया, अबू जहल दी मुट्ठी विच। जिबरील आवे जावे मेरे आका दी गली विच, जिबरील आवे जावे मेरे आका दी गली विच। सरदार नूरियां दा, सरदार नूरिया दा, मेरे आका दा गुलाम है। सारे अंबिया सफा विच मेरा नबी इमाम है। सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिया बादा। अम्मा बादु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومها وإن قلّا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم आवाज खोलो थोड़ी अगे जान दी बंदिया कर तू तैयारी अगे जान दी बंदिया कर तू तैयारी ते एवें न जावी तू जिंदगी गुजारी जे अगली हयाती दा सामान कीता जे अगली हयाती दा सामान कीता बड़ा अपने ऊपर तू एहसान कीता ओथे खुशियां ते ऐशां दा गुलशन खिलेगा ओथे खुशियां ते ऐशां दा गुलशन खिलेगा अमल नेक कीते ते जन्नत मिलेगा हर किस्म दी हमद सना अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बाबरकत जात वास्ते खास है जो सारी कायनात दा खालिक ओ मालिक राजिक दाता गंज बख्श बिगड़ियां बनाने वाला डुबियां तारने वाला सब दा मुश्किल कुशा हाजत रवा लजपाल गौसे आजम दस्तगीर गरीब नवाज अमीर नवाज अला कुल शय कदीर फआल लिमा युरीद लैसा कमिस्लिहि शयउन व हुवस समीउल बसीर जिंदगी मौत सेहत बीमारी इज्जत जिल्लत नफा नुकसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान दे नाल रखया है लेकिन इन सारिया चीजा का इख्तियार सिर्फ एक अल्लाह की जात को ले जदों चाहे अपने जिस मर्जी बंदे नाल जैसा भी मामला इख्तियार करना चाहे कर सकता है उन्हें कोई रोकने वाला नहीं टोकने वाला नहीं पूछने वाला नहीं ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून उन्हें कोई नहीं पूछ सकता और सारी कायनात को पूछ सकता है
अनगिनत ला तादाद बेहदो हिसाब दरूदो सलाम दियां बारशा होन सारी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी रौनक और बहार आमीना दे लाल अब्दुल्ला दे दुल्ले यतीम पैगंबर बेमिसाल साहिबे शर्फो कमाल पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जाते ग्रामी ते वाजिबुल एहतराम मुअज्जज सामईन हजरात बुजुर्गो नौजवान भाइयों दोस्तों पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मुअज्जजात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओ बहनों और बेटियों अल्लाह मालिक दी तौफीक खास दे नाल असी खुतबाए जुमातुल मुबारका दे फरीजे दी अदायगी वास्ते अल्लाह दे घर जमा होए हां यकीनन इहदे अंदर साडा कोई कमाल नहीं इह सारा कमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात दा ए जिहदी तौफीक नाल असी उहदे घर विच जमा होए हां दुआ फरमाओ जिस तरह अल्लाह ने सानू अपने घर की हाजरी का मौका दिता है इसे तरह अल्लाह साडा ए मिल बैठना अपने दरबार अंदर कबूल फरमा के मेरी तुहाडी साडे सारयां दी नजात का जरिया बनाए हजरात अज दा खुतबा जुमातुल मुबारका दा मौजू मैं कोई तकरीर करन दा इरादा लेके नहीं आया मैं तुहाडे सामने अज एक दर्दे दिल बयान करना है यकीन जानो मुसलमाना दे हालात और मुसलमाना दा अल्लाह नाल उसदे रसूल नाल अल्लाह दी इबादत नाल मसाजिद नाल दीन दी मजलस नाल जो इस वक्त लगाओ है यकीन जानो इस सूरत हाल वेख के दिल खून दे आंसर होंदा है कि असी कैसे मुसलमान हां एक चन्न असी वेखने हां रमजान दा ते असी मस्जिदां भर देने हां और एक चन्न असी वेखने आ शवाल दा ते मस्जिदां वीरान हो जांदियां ने एक चन्न चढ़दा ए ते मस्जिदां च जगह नहीं लभदी एक चन्न चढ़दा ए ते मस्जिदां च नमाज़ी नहीं लभदे सिर्फ असी रमजानी मुसलमान रह गए हां रमजान वाले मुसलमान जबकि जो बंदा हकीकी मुसलमान है हकीकी मोमिन है वो ते अल्लाह दी इबादत तो सैर होंदा ही नहीं वो ते हर वक्त अल्लाह दी इबादत अंदर हर वक्त अल्लाह दे जिक्र अंदर और हमेशा ओदी कोशिश लगन तड़प जुस्तजुए होती है केड़ा वक्त आए मैं अल्लाह दी इबादत करा दुआ करो अल्लाह ताला सानू सही माने अंदर पक्का सच्चा मुसलमान और मोमिन बनाए इंशाल्लाह आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर मैं एको ही दर्द दिल बयान करना है क्या इंसान तेरी जिंदगी दा मकसद की सी और तू की मकसद बना बैठा है अल्लाह पाक ने सानू पैदा ही अपनी इबादत वास्ते कीता है लेकिन असी इबादत तो उकता क्यों जाने हां असी इबादत तो दूर क्यों हो जाने हां इस मौजू सुखन ते गुफ्तगू करांगा दुआ करो अल्लाह शरा सदर नाल बयान करने दी तौफीक अता फरमाए मेरे और तुसां दे पीर और मुर्शद इमाम उल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी पाक दा नाम आए मोहब्बत नाल प्यार नाल दुरूद पढ़िया करो यकीनन तुसी पढ़िया है यकीनन तुहाडे अंदर नबी पाक दी मोहब्बत है जरा मजीद अपनी मोहब्बत दा इजहार करिया करो जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और असी ते बड़े खुश नसीबा बड़े मुकद्दरा वाले आ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस नबी दा सानू उम्मती बनाया है उस नबी नू अल्लाह ने सारे नबियां दा सरदार बनाया है और नबी पाक दी बरकत है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक दी वजह तो सानू सारी उम्मतां दी सरदार बनाया है। ते फिर मोहब्बत नाल दुरूद पढ़िया करो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किस नबी ते दुरूद पढ़न दी दावत दे रहा सुन मेरी मोहब्बत नबी पाक नाल ओए सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है कुल अंबिया तो उच्चा कुल अंबिया तो उच्चा मेरे आका दा मुकाम है सारे अंबिया सफा विच मेरा नबी इमाम है फलकां ते रब ने सद्या मेहमान बनया रब दा फलकां ते रब ने सद्या मेहमान बनया रब दा जिबरील लैन आया जिबरील लैन आया ओ वेला सी अदब दा जिबरील लैन आया ओ वेला सी अदब दा सिदरा ते जाके सोना ओए सिदरा ते जाके सोना बनया वी आई पी मेहमान सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है अल्लाह अकबर और कितनी शान वाले कितने मुकाम वाले कितनी अजमत वाले पत्थरा भी कलम पड़िया अबू जहल दी मुट्ठी विच उंगलियां तड़प जाई मेरे पैगंबर दी अजमत सुन के शान सुन के पत्तो की दे बासिया तड़प जाई नबी पाक दा मुकाम सुन के पत्थरा भी कलम पड़िया अबू जहल दी मुट्ठी विच पत्थरा भी कलम पड़िया अबू जहल दी मुट्ठी विच जिबरील आवे जावे मेरे आका दी गली विच जिबरील आवे जावे मेरे आका दी गली विच सरदार नूरिया दा सरदार नूरिया दा मेरे आका दा गुलाम है सारे अंबिया सफा विच मेरा नबी इमाम है सारे अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते नाज़िल होन वाला अल्लाह दा कुरान फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदू
अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो असी इंसानां नूं ते जिन्नां नूं पैदा कीता है सारी कायनात नूं अल्लाह ने पैदा कीता है। हजरात मोहतरम जितनी भी कायनात अंदर तुहानूं अल्लाह दीआं मखलूकां नजर आ रहीआं ने हजरात किते दरख्त नजर आ रहे ने किते चरिंद नजर आ रहे ने और किते परिंदे नजर आ रहे ने किते पहाड़ नजर आ रहे ने किते दरख्त नजर आ रहे ने किते जमीन नजर आ रही है किते आसमान नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। और सत्ता जमीन और सत्ता आसमान दे अंदर जितनिया भी मखलूकां तुहानूं नजर आ रही ने इन सारिया नूं पैदा करने वाली जात अल्लाह दी जात है। अल्लाहु अकबर। फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो असी पैदा कीता है जिन्ना नूं ते इंसानां नूं भी और इंसान दी तखलीक दा मकसद जिन्ना दी तखलीक दा मकसद अल्लाह जी तुसी किस वास्ते पैदा कीता है। अल्लाह फरमांदे ने कायनात अंदर मैं जितनिया भी मखलूकां नूं बनाया है जितनिया भी तुहानूं मखलूकां नजर आ रही ने हर मखलूक दा कोई ना कोई मकसद है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह चंद दा मकसद रोशनी देना सूरज दा मकसद रोशनी देना सितारियां दा मकसद रोशनी देना। अल्लाहु अकबर। आसमानां नूं रब ने साडे लई छत बनाया जमीन नूं अल्लाह ने साडे लई फर्श बनाया दरख्तां नूं अल्लाह ताला ने साडे वास्ते सायादार बनाया दरख्तां नूं असी हजरात मोहतरम बतौरे लकड़ी दे असी अग जलाण वास्ते हजरात इस्तेमाल करने आ मकसद की है। हर चीज दा अल्लाह ने कोई ना कोई मकसद बनाया और हर चीज अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक जो मकसद है वो पूरा कर रही है। इंसान दी जिंदगी दा भी मकसद है जिन्ना दी जिंदगी दा कोई मकसद है वो मकसद की है। फरमाया इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे बंदे ऐ जिन्नो इंस असी तुहाडी तखलीक दा मकसद ए रखिया है कि तुसी हर वक्त अल्लाह दी इबादत करनी है सिर्फ रमजान विच अल्लाह दी इबादत नहीं करनी सिर्फ रमजान विच मस्जिदा नहीं पढ़निया और सिर्फ रमजान विच कुरान नहीं पढ़ना और सिर्फ रमजान विच कियामुल लैल नहीं करना और सिर्फ रमजान विच सदका खैरात नहीं करना और सिर्फ रमजान विच अल्लाह दा जिक्र नहीं करना और सिर्फ रमजान विच अल्लाहु अकबर अल्लाह नेकियां दे पहाड़ कायम नहीं करने बल्कि फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे तेरी जिंदगी दे एक एक साह दा मकसद है आ तू मेरी इबादत करनी है दिन होए फिर भी इबादत करनी है रात होए फिर भी इबादत करनी है सुबह होए फिर भी इबादत करनी है दोपहर होए फिर भी इबादत करनी है शाम होए फिर भी इबादत करनी है हर मौके ते हर वक्त हर घड़ी तू अल्लाह दी इबादत विच गुजारनी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान पाक दा एक होर मुकाम सुनिए। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमांदे ने ऐ बंदेओ ऐ मेरे बंदेओ ऐ इंसान ऐ इब्ने आदम उबुदु रब्बकुम इबादत करो अपने रब दी इबादत करो अपने रब दी कौन रब अल्लज़ी खलक़कुम ओ रब जिन्ने तुहानू पैदा कीता है ओ रब जिन्ने तुहानू इंसान बनाया है ओ रब जिन्ने तुहानू तरह तरह दियां नेमतां नाल नवाजिया है ओ इंसाना वेख ते सही रब ने तेरे ते किन्ने एहसान
कीते, कितने कितने तेरे ते रब ने इनामात कीते। अल्लाहु अकबर, किते रब ने तेनु इंसान बनाया, ए रब दा बहुत बड़ा इंसान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने तेनु अशरफुल मखलूकात बनाया, ए रब दा बहुत बड़ा इंसान है। रब ने तेनु वेखण वास्ते अखां दित्तियां, बहुत बड़ा इंसान है। रब ने तेनु सुनन वास्ते कान दिते, बहुत बड़ा इंसान है। अल्लाह ने तेनु बोलन वास्ते जुबान दी, बहुत बड़ा इंसान है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरते मोहतरम, अल्लाह पाक ने सोचन वास्ते दिल दिमाग दिते, ओए कायनात दे लोगो पकड़न वास्ते हाथां दी नेमत दिते, चलन वास्ते अल्लाह ने पैर दिते, ए सारियां अल्लाह दियां नेमतां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कैसियां कैसियां रब दियां नेमतां, और कैसियां कैसियां प्यारियां सूरतां बनाईयां। फरमाया हुवल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। कायनात दे लोगो, अल्लाह पाक ने इंसान नु कितना खूबसूरत बनाया, और किते फरमाया वाला कद करमना बनी आदम वहमल्लाहुम फिल बर्री वल बहर वरज़क़नाहुम मिन तय्यिबात। अल्लाह फरमांदे ने, ऐ मेरे बंदे, ऐ हजरत इंसान, असी तेनु सारी कायनात नालो आला बनाया, सारी कायनात नालो अफजल बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते मैं कुरान दियां आयतां दा तर्जमा करां तेरी बोली अंदर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब दे सानात नु भुलिया ना कर, रब दियां नेमतां हंडा के ओदी ना शुक्री ना करिया कर, ओदी ना कदरी ना करिया कर, बल्कि रब नु आखिया कर, ओए किवें मैं बोलावां एहसान मालका, सानू तू बनाया इंसान मालका, ओए किवें मैं बोलावां एहसान मालका, सानू तू बनाया इंसान मालका, सानू तू बनाया इंसान मालका। अल्लाहु अकबर। और तवज्जो करना, नेमता हजार बेशुमार दितियां, गिनिया ना जान बेहिसाब दितियां, नेमता हजार बेशुमार दितियां, गिनिया ना जान बेहिसाब दितियां, दिता रहन सहन नू मकान मालका, किवें मैं बुलावां एहसान मालका, किवें मैं बुलावां एहसान मालका, सानू तू बनाया इंसान मालका, अखा नक कन दंद मोती अनमोल ने, दिल ते दिमाग जे खजाने साडे कोल ने, अखा नक कन दंद मोती अनमोल ने, दिल ते दिमाग जे खजाने साडे कोल ने, बोलन नु दित्ती, बोलन नु दित्ती ए ज़बान मालका, किवें मैं बोलावां एहसान मालका। ए सारियां नेमतां अल्लाह ने दित्तियां ने, ए इंसान तू रब दियां नेमतां ते हडा रहा है, रब दियां नेमतां ते इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ओदी इबादत क्यों नहीं करदा, ओदी इबादत दे हक अदा क्यों नहीं करदा। अल्लाह ने तेरी तखलीक दा मकसद ही अपनी इबादत रखिया है। इको थोड़ी कटाओ यार। अल्लाहु अकबर। फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुद। अल्लाह फरमाते हैं इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। रात रात मोहतरम गौर करना, तवज्जो करना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अहब्बुल अमली इलल्लाही, अहब्बुल अमली इलल्लाही, अतवा मुहाबा इन कल्ला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कायनात जो लोगों,
अल्लाह रब العالمین نو کیڑا عمل پسند ہے اللہ نو کیڑا عمل زیادہ پیارا لگدا ہے عوام نو سمجھ نہیں آئے گی تے میرے بولن دا کی فائدہ ہے ایکو بند کر دو یار تہاڈی مہربانی ہے احب العمل الى اللہ ادومھا وان کلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات دے لوگو اللہ اس عمل نو بڑا ہی پسند کردے نے بھاویں تھوڑا ہوئے لیکن ہمیشگی والا ہوئے تھوڑا ہوئے لیکن بندہ اودے تے ہمیشگی اختیار کرے تھوڑا ہوئے لیکن بندہ پابندی نال کردا رہے ایک ہی ہویا رمضان وچ सारिया नमाज़ा पढ़िया रमजान विच ते तस्बीह नमाज़ा भी पढ़ लिया रमजान विच ते क़ियामुल्लैल भी कर ले रमजान विच ते जनाबे वाला असी दिन भी नफल पढ़ते रह असी रातां नूं भी नफल पढ़ते रह रमजान विच ते तीन तीन चार चार कुरान पढ़ ले ओ सोने आ रमजान विच अल्लाह दा जिक्र इन्ना को कीता है कि पता ही नहीं अल्लाहु अकबर रमजान विच ते दस दिन पूरे दस दिन ते दस रातां मस्जिदां दे विच इतकाफ भी बैठे रहे मस्जिदां आबाद कीतियां रमजान विच लेकिन ऐसे अमल नूं की करना है रमजान गया ते नमाजी भी गए रमजान गया ते मस्जिदां आबाद करन वाले भी गए रमजान गया ते कुरान पढ़न वाले भी गए नहीं ओ नहीं सोनिया नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल अमली इलल्लाह ही अदवा मुहावा इन कल्ला अल्लाह फरमांदे ने लोगो अल्लाह नु ओ अमल पसंद है नबी पाक ने फरमाया है जिस अमल ते बंदा हमेशगी इख्तियार करे जिस अमल ते अल्लाह जिस अमल ते बंदा पाबंदी करे ओ अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन नु बड़ा पसंद है इस वास्ते मेरे प्यारे भाई मैं तुहानु दावत ए फिक्र देना चाहना मैं दर्दे दिल तुहाडे सामने बयान करना चाहना ओ सोने आओ ना सी अमल जड़े अमल रमजान विच कीते ने ओ ना अमला ते पाबंदी इख्तियार करिए ओ ना अमला ते हमेशगी इख्तियार करिए आज मुसलमान अपनी तखलीक दे मकसद नु भुल गया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ते सानू अपनी इबादत वास्ते भेजिया सी पर बंदा दुनिया दे मामलात विच मसरूफ हो गया है इन्ना कु मसरूफ हो गया है कि नमाज दा भी टाइम नहीं मिलदा इन्ना कु मसरूफ हो गया है मस्जिद विच आन दी भी फुर्सत नहीं इन्ना कु दुनिया दे मामलात विच ऐ बंदा खुब गया है इनू अल्लाह दे जिक्र तो माल ने गाफल कर दिता है अल्लाह दी याद तो दुनिया दे मामलात ने गाफल कर दिता है अल्लाहु अकबर और रब दा कुरान मेनू ते तुहानू झंझोड़ रहा है फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनो ला तुल्हिकुम अम्वा وَلَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदियो किते माल ते औलाद तुहानू मेरे जिक्र तो गाफल ना कर देवे माल दी वजह तो मेरी याद तो गाफल ना हो जाए औलाद दी वजह तो मेरे जिक्र तो मेरिया मस्जिदां तो गाफिल ना हो जाया जे ते मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्ला अलैह तड़पे बड़ी मुहब्बत नाल तर्जमानी करया कर दे दुआ करो जिथे मर्दे मुजाहिद लेटे है अल्लाह उन्हां दी कबर रोशन फरमाए अल्लाहु अकबर अल्लाह बड़े प्यारे अंदाज नाल कुरान दियां आयतां दा तर्जमा करया कर दे ओए कल्ले आ ओए पढ़ ले नमाज अदा कर ले ज़कात नूं पढ़ ले नमाज अदा कर ले ज़कात नूं नेकियां दे बीज बीजी उठ अद्धी रात नूं ओए छड़ना जहान अड़िया ओए सोच किसे बात नूं वेख ले राजे राने ओ छटी जांदे नी जहान नूं नबी सुलेमान हुकम जिन्ना ताई चला गया उठ जा गए प्यारे बेला
मौत नेड़े आ गया, उठ जागो प्यारे बेला मौत नेड़े आ गया। ओए कल्या सी रब तेनू नेकियां कमान नू, सिर्फ रमजान विच नहीं हर पल हर मोड़ ते जिंदगी दे हर कदम ते। ओए कल्या सी रब तेनू नेकियां कमान नू, तू इत्थे आके रोज बैठा है खान ते हंडान नू, है वेख लै राजे राने छटी जांदे नी जान नू। मेरे मौलाना शरीफ आवाज लोकां नू सुना गया, उठ जागो प्यारे बेला मौत नेड़े आ गया। फरमाया बामा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। और हजरात मोहतरम तवज्जो करना, मैनु सहीहुल बुखारी दी एक हदीस पाक याद आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने कायनात दे लोगो मोमिन बंदे दी मिसाल, मोमिन बंदे दी मिसाल। नबी पाक ने बड़ी प्यारी मिसाल दे के समझाया, आका फरमाते ने बंदा मोमिन दी मिसाल इंजे जिवें खजूर दा दरख्त है, जिवें खजूर दा दरख्त सारा साल हरिया भरिया रहिंदा है, खजूर दा दरख्त कदे भी मुरझांदा नहीं, खजूर दे दरख्त दीआं टहनियां कदे भी खुश्क नहीं होंदियां, कदे भी मुरझांदा नहीं, हमेशा सर सबज। हजरात मोहतरम तो तादा खलोता रहिंदा खजूर दा दरख्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेम कोई हालत ए कोई मिसाल बंदा है मोमिन दिए, बंदा है मोमिन दा ईमान भी सदा एक जैसा रहिंदा है, मोमिन बंदे दा ईमान कदे भी कमजोर नहीं होंदा, मोमिन बंदे दा ईमान कदे भी घट नहीं होंदा, मोमिन बंदे दा ईमान कदे भी सुकड़दा नहीं, हमेशा मोमिन बंदे दा ईमान एक जैसा रहिंदा है। सर्दी आए फिर भी ओदा ईमान एक जैसा, गर्मी आए ओदा ईमान कदे नहीं ढोलदा, दिन होए रात होए अनेरी होए उजाला होए रोशनी होए तारीकी होए, बंदा है मोमिन दा ईमान सदा एक जैसा रहिंदा है। मोमिन बंदा सिर्फ रमजान विच नेकियां नहीं करदा, बल्कि मोमिन बंदा नबी पाक ने फरमाया हमेशा अल्लाह दी इबादत विच मसरूफ रहिंदा है, मोमिन बंदा ते कदे भी अल्लाह दी इबादत तो सैर ही नहीं होंदा, ओ ते हर वक्त अल्लाह दे सामने दुआवां करदा रहिंदा है। कदी बंदा है मोमिन पढ़दा है, शैतान ने जाल जू लगाए ने, हर पासियों शैतान बंदियां नू बरगलान दी कोशिश करदा है, अल्लाहू अकबर, क्योंकि शैतान ने कसमां चुकियां ने, अंदा ला आती यन्नहुम मिन बैनी अईदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अईमानिहिम व अन शमाइलिहिम। शैतान ने आख्या रब नू, अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू तेरी इबादत तो दूर रखांगा, अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू मस्जिदां दे करीब नहीं आन दियांगा, अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू तेरे करीब नहीं आन दियांगा, कसमां चुकियां शैतान ने। लेकिन अल्लाह फरमांदे ने जेड़े मेरे पक्के बंदे मोमिन बंदे सही बंदे खालिस मोमिन बंदे ओ ते मेरे कोलों दुआवां करदे ने, कदी पढ़दे ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कदी पढ़दे ने रब्बी आऊज़ु बिका मिन शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अय्या हुज़ुरून। अल्लाह सानू शैतान दे चालां तो शैतान दियां दावां तो शैतान दे हमलियां तो महफूज रखी, असी हमेशा नमाज़ां पढ़दे रहिए, असी हमेशा कुरान पढ़दे रहिए, असी हमेशा तेरा जिक्र करदे रहिए, असी हमेशा तेरे कोलों डर के जिंदगी गुजारीए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नेक बंदे मोमिन बंदे अल्लाह कोलों दुआ करदे ने, दुआ आ तेनू बंदियां दी नेक बंदियां दी दुआ सुनावा, मोमिनां दी दुआ सुनावा, की दुआ करदे ने, सानू तेरियां पनावां दी ए लोड़ मालका, मल्ली बैठाई शैतान हर मोड़ मालका।
मोमिन बंदे अल्लाह को दुआ करके अपने आप नु शैतान दे हमले तो महफूज करके अपने आप नु हर वक्त अल्लाह दी याद इबादत विच मसरूफ रखदे ने ते की आखदे ने सानू तेरियां पनावां दीए लोड मालका मल्ली बैठाई शैतान हर मोड़ मालका और सानू अपने ही दर ते झुकावी मालका और सानू अपने ही दर ते झुकावी मालका तेरे अगे झोली अड्डी खैर पावी मालका सानू सिराते मुस्तकीम ते चलावी मालका सानू सिराते मुस्तकीम ते चलावी मालका ताला आपे ही तकलीद दा तू तोड़ मालका और मोमिन बंदे अल्लाह को सवाल की कर देने सुन दरा तवज्जो नाल साडी हर एक माफ तू खता कर दे टिकट जन्नतां दे सानू तू अता कर दे कबूलियत दिया कड़ियां दुआ कर रहे हैं अल्लाह जितने आए ने सब ते अपना मेहरबान रब ते अपना रहम फरमा के मेहरबानियां करके अल्लाह जितनियां कमियां कुताइयां ने माफ फरमा के साडे वास्ते अपनी जन्नत दे ऐलान कर दे अल्लाहु अकबर अल्लाह साडी हर एक माफ तू खता कर दे टिकट जन्नतां दे सानू तू अता कर दे खजाने तेरे विच कोई नहीं ओ थोड़ मालका मल्ली बैठाई शैतान हर मोड़ मालका अल्लाहु अकबर हजरात मोहतरम तवज्जो करना मेरी और तुम्हारी जिंदगी का मकसद वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून अल्लाह पाक ने इंसान की जिंदगी का मकसद अपनी इबादत रखिया है हुन तवज्जो करिया जे असी ते अक गए असी ते थक गए रमजान च इबादत करके असी ते अपनियां थकावटां दूर पे करने आ रमजान च इबादत करके असी ते निंदरां पे पूरियां करने आ सोनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नबी पाक दे सहाबा कितने कु अल्लाह दी इबादत करन वाले किन्ना कु रब दी याद विच मसरूफ रहन वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे में पढ़ रहा सा अल्लाहु अकबर नबी पाक अल्लाह दी बड़ी इबादत कर दे बड़ी इबादत कर दे हर वक्त अल्लाह दी इबादत कर दे दिन भी अल्लाह दी इबादत रातां नूं भी अल्लाह दी इबादत ते एक दिन बैठियां बैठियां मोमिना दी मां मेरी और तुहाडी मां सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने हुजूर तुसी अल्लाह दी इन्नी इबादत क्यों करदे हो तुसी अल्लाह दी इन्नी इबादत च मसरूफ क्यों रहते हो हालांकि तुसी जन्नती हो और जन्नतियां दे सरदार हो महबूबे खुदा हो जन्नत तुहाडे इशारियां नाल खुलनी है तुहानू इन्नियां इबादतां दी की लोड़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ जिहड़ा जवाब दित्ता पत्तो की दे बासिया गौर नाल सुन लै तवज्जो नाल सुन लै नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ओ मेरी प्यारी आयशा मेरी गल सुन लै अफला अकूना अब दर सुकूरा और मेरी प्यारी आयशा जिस रब ने मेरे ते इन्ने एहसानात कीते ने जिन्हें मैनु इन्नी शान और मुकाम दिता है क्या मैं उहदा शुक्रिया अदा ना करा क्या मैं उहनू याद ना करा जिन्हें मेरे ते इन्ने इनामात कीते ने पता लगा रब दी इबादत करना इंजे जिवें अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना है अल्लाहु अकबर अल्लाह और नबी पाक किन्नी को अल्लाह दी इबादत कर दे अल्लाहु अकबर नबी पाक दे सीने पाक ते अल्लाह दा कुरान आया फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अदिन कुस मिनहु कलीला औजिद अलैही وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا।
नबी पाक अल्लाह दी इन्नी इबादत करदे, दिन भी सारा इबादत चे, रात नु घर जाना, मेरे पैगंबर रात नु घर जाके ओए उठिया मैं ते तू फर्द नमाज़ा नहीं पढ़दे, देख मेरे मुर्शिद पाक फर्द नमाज़ा भी सारियां पढ़दे, फिर रात नु घर जाके मैं ते तू थके टुटे होने ते फौरी बिस्तर ते लेट जाने आ, असी ते ईशा दी नमाज़ भी नहीं पढ़दे, देख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा पढ़ के घर जांदे, मेरे पैगंबर फिर जाके मुसल्ले ते खड़े हो जांदे, इतना इतना लंबा क़याम करया करदे। सुनन निसाई विच मैं रिवायत पढ़िए, नबी पाक एक दिन मुसल्ले ते खड़े होए, मेरे पैगंबर ने पहली रकत विच तवज्जो करया जे, नबी पाक ने पहली रकत विच सूरत बकरा पूरी पढ़ छड़िए, पहली रकत विच नबी पाक ने आले इमरान पूरी पढ़ छड़िए, पहली रकत विच नबी पाक ने सूरह निसा पूरी पढ़ छड़िए, पहली रकत विच नबी पाक ने सूरतुल मायदा पूरी पढ़ छड़िए, सवा छे सिफारियां दी तिलावती अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने पहली रकत विच कर छड़िए। एक रकत पढ़ी नबी पाक ने इन्ना लंबा क़याम कीता मेरे पैगंबर ने, अल्लाहु अकबर अल्लाह आसमान तो बाद आई हो मेरे महबूब पैगंबर जी, आ जिहड़ा तुहाडा जिस्म है ना इहदे ते तुहाडा हक है, कुछ वक्त इहनूं रेस्ट भी दिया करो, हर वक्त अल्लाह की इबादत ही करते रहते हो, हर वक्त अल्लाह की इबादत च ही मसरूफ रहते हो, और सोने दिन भी इबादत च गुजार छड़ दे, रात नूं भी अल्लाह की इबादत च गुजार छड़ दे, अपने जिस्म अपनी बाडी नूं कुछ वक्त रेस्ट भी दिया करो, ते कुरान दी आयतां दा तैनूं तर्जमा सुनावा, खटन राता मुसल्ले ते खलोते आ पैर सुज जावन, खटन राता मुसल्ले ते खलोते आ पैर सुज जावन, खुदा आखे ना जागितना, खुदा आखे ना जागितना, इबादत है हो जई होवे, आई वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मेरे पैगंबर ने रब दी इबादत दा हक अदा कर छड्या है, अल्लाहू अकबर। और जेड़े नबी पाक दे सहाबा सी ना, ओ भी ते नबी पाक दी उम्मती सी, अज मैं ते तू भी ते नबी पाक दी उम्मतियां, अज मैं भी ते तू भी दावा करने आ नबी पाक नाल मुहब्बत दा, इधर वेख जिन्ना नबी पाक नाल मुहब्बत कीतियां और रब दी इबादत दे हक अदा कर छड्डे, अल्लाहू अकबर। अल्लाह नबी पाक दे इक यारे इन्हां दा नाम है जनाबे खुबैब सबको रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। नबी पाक दे सहाबी और सोने आ पत्तो की दे बासिया गौर करी जरा, मैं ते तू सेहतमंद सी नमाज नहीं पढ़ते, मैं ते तू वादू टाइम फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, मैं ते तू आजाद फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, इधर वेख जरा नबी पाक दे सहाबी हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुश्मन दी कैद विच चले गए मेरे खुबैब, दुश्मना कैद कर लिया, हत्ता के दुश्मना ऐलान कर दिता है इस खुबैब नु फांसी ते लटका दिता जाएगा, खुबैब नु तख्ते दार ते लटकाया जाएगा, वक्ते मुकर्र आया सारी दुनिया नु जमा कर लिया है, एंड चौक दे विच फंदा लटका दिता गया है, मेरे खुबैब नु लियांदा गया फंदे ते लटकाण वास्ते, लोग जमा ने हजरात दुश्मन जमा ने सारे मेरे खुबैब नु लियांदा गया, आंदे ने खुबैब आ वेख ना तेनू तेरी मौत नजर आ रही है, फांसी दा फंदा लगा होया, खुबैब दुनिया तो जान लगा है, दस ना तेरी कोई ख्वाहिश है ते जांदियां जांदियां सानू दस ना, असी तेरी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, अल्लाहु अकबर। ओ यार मेरे वर्गा हुंदा मैं कहिंदा यार मैनू जान बड़ी प्यारी है, मैनू छड्ड दियो, मैनू रिहाई दे दियो, मैनू आजाद कर दियो, मैं अपने घर चला जावां, मैनू जिंदगी बड़ी प्यारी, मैनू मेरे बीवी बच्चे बड़े प्यारे, मेरे तो बगैर मेरे घर दा निजाम नहीं चलना, मैनू छड्ड दियो, मैं अपने घर चला जावां, अल्लाहु अकबर। ए ते मेरी सोच है ना, ओ यारा देखना नबी दा यार ते रब दा इबादत गुजार, और कितनी अल्लाह दी इबादत करने वाले, अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम दा यार आंदा है, ओए अल्लाह दे दुश्मनों दीन दे दुश्मनों अगर तुसी मेरे कोलो पूछ ही लिया है फिर मैं तुहाडे सामने एक ख्वाहिश रखनी चाहना। अल्लाह ने मैनू मौका दे ही दिता है, मैं मौका ए गनीमत तो फायदा उठाया होया तुहाडे कोलो एक मोहलत मंगनी चाहना। ओए दस ना की मोहलत चाहना है। जनाबे खुदा फरमांदे ने मेरा दिल करदा है मैं दुनिया तो जान लग्या दो रकत नमाज ही पढ़ लवा। दुनिया तो जान लगे ने मौत नजर आ रही है फिर भी उन्हां दी ख्वाहिश की है घर नहीं जाना बच्चियां ते नहीं जाना की ख्वाहिश है। बच्चियां ते जाके भी ते मौत आ सकती सी ना। अल्लाहू अकबर अल्लाह। लेकिन जनाबे खुदा फरमांदे ने मेरा दिल करदा है दुनिया तो जान लग्या मैं दो रकत रब दे सामने सजदे कर लवा रब दे सामने खड़ा होके आठ दिन कसारी नाल रब नू मना लवा। ओ सोनिया वेख जिन्ना रब दियां इबादतां कीतियां मैनू नबी पाक दे सहाबी याद आए इन्हां दा नाम है जनाबे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु। ए नबी पाक दे चाचा दे बेटे हजरत अब्बास दे बेटे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात तवज्जो करना इन्हां दी जिंदगी दे आखरी अय्याम आखरी कड़ियां अल्लाह दी तरफों अल्लाह दी कुदरत नाल इन्हां दी अखां दी बिनाई कमजोर हो गई कमजोर हो गई इन्नी कमजोर हो गई है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। हजरात इलाज करवाया डॉक्टरां कोल गए तबीबां कोल गए मुआलजीन कोल गए हकीमां कोल गए मेरी अखां दा इलाज करो ना मेरी अखां दे वास्ते मैनूं कोई मशवरा दिओ जिदे ते अमल करां अल्लाह मेरी नजर ठीक कर देवे। हजरात ते मोहतरम वक्त दे हकीमा ते तबीबा ने दसिया अब्दुल्ला बिन अब्बास जी अपनी अखां दी दुरुस्तगी चाहते हो अपनी नजर सही करनी चाहते हो ते तुहानू मशवरा देने आ तुसी नमाज पढ़नी छड़ दिओ नमाज पढ़नी छड़ दिओ। क्यों भाई कहंदे ने तुसी नमाज पढ़ते हो ना रुकू च जांदे हो सजदे च जांदे हो तुहाडियां अखां ते वजन पैंदा है जिहदी वजह तो तुहाडी बिनाई मजीद दिन ब दिन कमजोर हो रही है। ते जनाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला नु की फरमांदे ने ए हबीबा बादिया तड़प जाई मेरे अब्दुल्ला बिन अब्बास दा जवाब सुन के आंदे ने कायनात दे लोगो मैनू ऐसियां अखां दी कोई जरूरत नहीं मैनू ऐसी बिनाई दी कोई जरूरत नहीं जड़ी मैनू रब दे जिक्र तो महरूम कर देवे मैनू नजर नहीं चाहिदी मैं नमाज पढ़ांगा मैनू अखां दी बिनाई नहीं चाहिदी मैनू अखां नहीं चाहिदियां मैनू अल्लाह नाल ताल्लुक चाहिदा है मैं रब नाल अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता मैं रब नाल अपना ताल्लुक छोड़ना नहीं चाहता। ओ सोहणिया आ तू भी अपना ताल्लुक इंज दा बना सेहत होए तद भी अल्लाह की इबादत कर बीमारी होए तद भी अल्लाह की इबादत कर रमजान होए तद भी अल्लाह की इबादत कर गैर रमजान होए तद भी अल्लाह की इबादत कर खुशी होए तद भी अल्लाह की इबादत कर गमी होए तद भी अल्लाह की इबादत कर। और यार बड़े बड़े अल्लाह के बली वेखे मैं बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाही ताला ले याद आए अक्सर बैठिया बैठिया रब दा बली रब दे सामने रोन लग पैंदा ते रब दे तरले पान लग पैंदे ते रब करो दुआवां करिया कर दे अल्लाहू अकबर ते की किया कर दे अल्लाह बूबे अपने विच बह के रो लैन दे अल्लाह बूए अपने विच बह के रो लैन दे काला अमल नामा हंजुआ थी तो लैन दे अल्लाह बूए अपने विच बह के रो लैन दे काला अमल नामा हंजुआ थी तो लैन दे और किथे जावा तेरा डर छड़ के मेरे मालका कौन तेरे बिना मेरा सच्चे खालका आज हंजुआ दी लड़ी तू परो लैन दे आज हंजुआ दी लड़ी तू परो लैन दे काला अमल नामा हंजुआ थी तो लैन दे
और की क्या कर दे अज मन्या मैं तेरे बुए बेच फापदा नहीं मन्या मैं तेरे बुए बेच फापदा नहीं और जेड़ा सजदा तेनू सजदा है ओ मेरा सजदा नहीं फजलों ना चिड़की फजलों ना चिड़की मुता सीता हो लैन दे काला अमल नामा हंजुआ थी तो लैन दे अल्लाह दे वली ते अल्लाह दे मोमिन बंदे हर वक्त अल्लाह दी याद विच रहन वाले हर वक्त अल्लाह दे डर विच रह के अल्लाह दी इबादत विच जिंदगी गुजारने वाले अल्लाहू अकबर अल्लाह मैनू याद आए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद पढ़ के बाहर पैदा करो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर नु अल्लाह ने जन्नत दी सैर कराई जन्नत दी सैर कर रहे नबी पाक ते जन्नत दी सैर करदिया मेरे मुर्शिद पाक ने की वेख्या है अगे अगे किसे दे चलन दी आवाज आ रही है अगे अगे किसे दे कदमा दी आहट सुनाई दे रही है नबी पाक ने जबरील नु पुछया और मेरे प्यारे जबरील दसो ते सही ना आ कौन बंदा है जड़ा अगे अगे टुरदा जा रहा है अगे अगे चलता जा रहा है जनाबे जबरील फरमांदे ने ओ सोनिया महबूबा ए तुहाडा प्यारा तेला डलाउमती जनाबे बिलाल है टुरदा मदीने दी गलियां च प्याए ते चलन दी आवाज जन्नत विच आ रही है टुरदा मदीने दी गलियां च प्याए आवाज जन्नत च आ रही है बात मुख्तसर करा नबी पाक ने जनाबे बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला नु कोल पुछया ओ मेरे बिलाल मैनू दस ते सही ना बिलाल तू केड़ा अमल करना है टुरदा मदीने दी गलियां च है चलन दी आवाज जन्नत विच आ रही है अल्लाह अकबर जनाबे बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने मेरे प्यारे आका जी हो ते मैनू किसे अमल दा नहीं पता हाँ इतना मैं जरूर जानना मैं अपने आप नू हर वक्त बावजू रखना हर वक्त मैं बावजू रहना उम्मतिया तू ते फर्द नमाज वास्ते वजू नहीं करदा तेरे कोल फर्दी नमाजा दे वजू दा टाइम कोई नहीं आ वेख मेरा बिलाल ही हर वक्त बावजू रहन वाला मेरा बिलाल अल्लाह अकबर ते मेरे आका फरमांदे ने बिलाल होर की करना है आंदे ने सोनिया जदों भी वजू करना ते वजू दे नाल दो नफल भी अदा करना वा ते साडे कोल ते फर्दी नमाज़ां दा टाइम नहीं मेरे बिलाल अल्लाहु अकबर हर वक्त पाक साफ रहन वाले हर वक्त अल्लाह दे सामने सजदे करने वाले मैनू बिलाल हबशी रजी अल्लाहु तआला अन्हु दी मोहब्बत ने तड़पाया दो जुमले सुनावा बिलाल हबशी दी शान अंदर अल्लाहु अकबर है रंग दा काला हबशी नस्ल गुलामाना जिंदगी गुजारने वाला लेकिन जदों रब दा इबादत गुजार बन गया अल्लाह कोलों डर के जिंदगी गुजारने वाला बन गया फिर रब ने शाना ते मुकाम कितने दिते अल्लाह अकबर अल्लाह हबशो आया शान तक ले हबशो आया शान तक ले डोलिया नहीं ईमान तक ले काबे ऊपर अजान तक ले आका पुछ दे जन्नत दे अंदर आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कोने होर प्या तुरदा ए जमीन उते ओ जन्नता दे विच शोर प्या तुरदा ए जमीन उते ओ जन्नता दे विच शोर प्या काले रंग विच जमाल तक आए काला रंग ते हबशे दे रहन वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके कलमा छड़ दे बिलाल नू कहन काफर पत्थर मार दे कल तलियां च किल लाके ते बिलाल क्या मैं कलमा नहीं छड़ना तुसी वेख लो अपना टिल लाके रब ने रंग बिलाल दा बंड छड़िया हर सोने मुखड़े ते काला तिल लागे
और जो अल्लाह दे इबादत गुजार बन जाओगे इंशाल्लाह आसमाना दा रब फिर दुनिया ते भी इज्जत देगा शान देगा मुकाम देगा। मेरे मोहतरम भाइयों आओ असी रमजान वाले ना बनिए मुसलमान, असी हमेशा अल्लाह दे इबादत गुजार बनिए। एक अरबी दा बहुत बड़े मुसन्निफ ने उन्हें किताब लिखी अरबी दे अंदर ओदे विच सानू मुसलमानां नू उन्हें बड़ा अहम पैगाम दिता है। कहिंदे मुसलमानों कुन रब्बानियन वला रमजानियन, और मुसलमानों रमजानी मुसलमान ना बनो, रमजानी मुसलमान ना बनो, रब वाले मुसलमान बनो। रमजान आया नमाजा, रमजान आया सदके, रमजान आया तिलावता, रमजान आया तकाफ, रमजान आया जिक्र। जा रमजान गया तो सारा कुछ भुल गया, हत्ता के जिन्हें जेड़े साढ़े भरा मस्जिदा में तकाफ बैठे से ना तकाफ पहन ले, यकीन जानो उन्हें भरावान ना भी वेखिया है 10 दिन मस्जिद इतकाफ किया। चांद रात जो चंद चंद का ऐलान हो गया लो जी चंद आ चढ़ गया जी ईद का सुबह ईद होगी, ओहो इतकाफ करने वाले 10 दिन मस्जिदा च रह के नमाज पढ़ने वाले तस्बीहां पढ़ने वाले अल्लाह का जिक्र करने वाले फजर की नमाज च मसीते नहीं आए। कादे ऐसी मुसलमान आ नहीं मेरे प्यारे भाइयों नहीं, आओ हमेशगी वाला अमल इख्तियार करिए। अगर हमेशगी होएगी अमल ते फिर तेरा अमल अल्लाह दे हां कबूल होएगा, अगर तेरी अमल ते हमेशगी ना होई फिर याद रखी तेरे इन्हां अमलां दा तेरा कोटी मुल नहीं पैना, कोटी मुल अल्लाह दे हुजूर दुआए जो मैं गुनहगार फकीर ने सबक सुनाया है अल्लाह पाक मेनू भी तुहानू भी सानू सारयां नू इस ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वा आखिर।